सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल अनलिमिटेड ज्ञान को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पे ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाते रहें और सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए फ्री है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं अनलिमिटेड ज्ञान। और आज इस वीडियो में मैं आपको पैन कार्ड में आए हुए लेटेस्ट रूल्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एप्लीकेबल हो गए 5 दिसंबर 2018 के बाद। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेटेस्ट रूल्स क्या क्या पैन कार्ड में आए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की तरफ से। तो सबसे पहला जो रूल आया है वो ये रूल आया है कि अब आपको पैन कार्ड में अपने फादर का नाम देना जरूरी नहीं होगा अगर उस व्यक्ति की मदर सिंगल पेरेंट है। तो सिंगल पेरेंट का मतलब यहाँ पे है कि अगर उनके फादर की डेथ हो गई है या फिर उनके फादर और मदर का डिवोर्स हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि फादर मदर का डिवोर्स हो जाते हैं तो लोग मेंशन करना पसंद नहीं करते हैं अपने फादर का नाम पैन कार्ड पे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक सीबीडीटी की तरफ से लेटेस्ट रूल लेके आया गया है पैन कार्ड में। उसके बाद जो बात आती है वो ये है कि जो एक आम आदमी है यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है उनको यहाँ पे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीडीटी जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उनके द्वारा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये रूल्स एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को छोड़कर बाकी पर्संस पर लागू हो गए अगर उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक साल में टोटल 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है तो, और अगर उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिमिट से ऊपर जाती है तो उन्हें कंपलसरी है पैन कार्ड के लिए अप्लीकेशन देना नेक्स्ट ईयर की 31 मई तक, मतलब की 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर तक। और ये जो न्यू रूल्स है वो सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट करेगा उन टैक्स पेयर्स को जो किसी बिजनेस एंटिटी से जुड़े हुए हैं और वहाँ काम कर रहे हैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह, पार्टनर की तरह, ट्रस्टी की तरह या फिर CU या HUF की तरह। उनके अलावा यहाँ और बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है जिसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक साल में 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर गई है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे एक अपडेट और आया है सीबीडीटी की तरफ से उनके लेटेस्ट रूल्स में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी रेजिडेंट बिजनेस एंटिटी है उन्हें पैन कार्ड लेना होगा, चाहे उनकी टोटल सेल्स या ग्रोस रिसीट 5 लाख से कम हो तो या 5 लाख से कम होने की उम्मीद हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जो जो मैंने आपको लेटेस्ट रूल्स बताए हैं। इसके साथ साथ जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन लेटेस्ट रूल्स के बारे में जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूं। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें।